जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय जीएसएफ फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा इंडियन ज्योग्राफी पर। दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का हमने बहुत ही प्यारा चैप्टर चुना है जिसका नाम है भारत की जलवायु। दोस्तों ये जो हमने चैप्टर चुना है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि दोस्तों परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलते हैं, इसलिए हमने दोस्तों इस चैप्टर को चुना है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक लगे रहिए और अच्छे से हर एक प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों भारत की जलवायु में हम सबसे पहले जानेंगे कि भारत की जलवायु किस तरीके की है, यानी कैसी है। दोस्तों पॉइंट अपने दिमाग पे सेट कर लीजिएगा कि भारत की जलवायु दोस्तों क्या है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। यानी भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि आखिरकार ये उष्णकटिबंधीय है क्या। चलिए दोस्तों आइए इसके भी बारे हम लोग समझ लेते हैं। इसको समझने से पहले दोस्तों हमें बनाना पड़ेगा एक मतलब अपनी प्यारी पृथ्वी को। तो आप जानते ही हैं कि पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है। तो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा का नाम है दोस्तों भूमध्य रेखा। यानी भूमध्य रेखा जो है दोस्तों पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करते हैं। भूमध्य रेखा को दोस्तों और भी नाम से जानते हैं, जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, क्लियर है। और इसे विषुवत रेखा के नाम से भी पुकारते हैं, क्लियर है, विषुवत रेखा। और साथ ही दोस्तों अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे इक्वेटर के नाम से भी पुकारते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो भूमध्य रेखा को ही बोलते हैं, विषुवत रेखा भी भूमध्य रेखा को बोलते हैं, इक्वेटर भी भूमध्य रेखा को बोलते हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। लेकिन हमारी चर्चा थी क्या, उष्णकटिबंधीय पर। तो दोस्तों भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश की तरफ चलते हैं तो वो कौन सी रेखा होती है, कर्क रेखा। कहने के तात्पर्य भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर कौन सी रेखा होती है, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा होती है। और भूमध्य रेखा के दक्षिण में कौन सी रेखा होती है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा, मकर रेखा होता है, ये भी 23.5 डिग्री अक्षांश होता है। अब उष्णकटिबंधीय मतलब दोस्तों ये आप देख रहे हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को दोस्तों हम किस नाम से पुकारते हैं, जल्दी से बताइएगा, किस नाम से पुकारते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से पुकारते हैं। यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम किस नाम से पुकारते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से बुलाते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे ना, वादा, बिल्कुल। दोस्तों रही बात, अब भारत की जलवायु क्यों उष्णकटिबंधीय हुई, प्रश्न यही भी, ये भी तो है ना। दोस्तों भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय इस तरीके से हुई है, कैसे, अब आप जानते हैं कि भारत, क्लियर है, भारत के 8 राज्यों से कौन सी रेखा को गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कौन सी रेखा को गुजरती है, कर्क रेखा। तो चलिए दोस्तों भारत की स्थित जो है कर्क रेखा पे कुछ इस तरीके से है, क्लियर है, ये क्लियर है, डायग्राम थोड़ा बना दे रहे हैं जिससे आपको थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ये दिख रहे हैं आपको। तो कर्क रेखा जो है दोस्तों भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, क्लियर है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं हमने आपको बताया भी था, इसके लिए एक ट्रिक भी आपको बताया था, वो ट्रिक था दोस्तों पंडित झागू राम के 6 मित्र, यही बताया था ना दोस्तों, याद है। तो प से हो गया दोस्तों पश्चिम बंगाल, क्लियर है, झ से हो गया दोस्तों झारखंड, और गु से हो गया गुजरात, रा से हो गया राजस्थान, मा से हो गया मध्य प्रदेश, और छ से हो गया दोस्तों छत्तीसगढ़, और मी से हो गया मिजोरम, और त्र से हो गया दोस्तों त्रिपुरा। तो ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा मतलब गुजरती है। इसी वजह से दोस्तों, इसी वजह से क्या बताया गया कि भारत की जो जलवायु है
वो क्या है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, इसी कारण। अब समझ में आ गया है, नहीं भूलेंगे, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो भारत की जलवायु कैसी है दोस्तों, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, क्लियर है। आइए इसको मिटाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो हेडिंग हमारी होगी वो होगी मानसून पर। आखिरकार मानसून क्या है, मानसून शब्द कहाँ से आया है, इसके भी बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों। मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। तो कहाँ से हुई है बताइएगा, एक अरबी भाषा, क्लियर, अरबी भाषा के मौसम शब्द से, मौसम शब्द से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इसका अर्थ क्या है दोस्तों, हवाओं की दिशा ऋतुओं के अनुसार बदल जाना है। यानी मौसम शब्द का क्या अर्थ है कि हवाओं की दिशा ऋतुओं के अनुसार बदल जाना, क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ये समझ में आ गया है दोस्तों। एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, तब आपको पूर्ण रूप से आगे की कहानी अच्छे से समझ में आएगा। इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लिए दोस्तों। कॉन्सेप्ट ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, क्या ये देखिए, टी मतलब टेम्परेचर होता है, इसका आकार मतलब ये टेम्परेचर बढ़ रहा है दोस्तों। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम होगा। ये आप कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिएगा कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। आगे एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है कि हवा किस तरीके से गति करती है, यानी हवा गति क्यों करती है, ये पॉइंट है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कभी भी जो हवा होती है, यानी जो हाई प्रेशर की हवाएं होती हैं, वो हमेशा लो प्रेशर की ओर बहती रहती हैं। हाई प्रेशर की हवाएं कहाँ बहती हैं, लो प्रेशर की। इसका एक एग्जांपल ये मान सकते हैं, जैसे पानी आप जानते होंगे, पानी, वाटर, पानी किस तरफ बहता है, जिधर एक प्रकार से ढलान होगा, मिट्टी नीचे होगी, क्लियर है, उसी तरफ बहता है ना, जहाँ पर ना, तो उसी तरीके दोस्तों हवा कहाँ चलती है, जहाँ पर हवा की कमी देखने को मिलती है, जहाँ पर लो प्रेशर होता है, उसी तरफ हाई प्रेशर की हवाएं चलती हैं। तो समझ में आया, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, जब प्रेशर कम होगा दोस्तों तो हाई, क्लियर है, हाई प्रेशर की हवाएं कहाँ बहने लगेंगी, लो प्रेशर की ओर, लो प्रेशर की ओर, समझ में आया। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, तो हाई प्रेशर की हवाएं यानी उच्च दाबी या उच्च दाब वाली जो हवाएं हैं वो निम्न दाब की तरफ बहने लगते हैं, समझ में आइए। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि सारी कहानी दोस्तों इसी पे टिका हुआ है, ओके। आइए दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, ग्रीष्म ऋतु के बारे में। तो चलिए इसको मिटाते हैं और अगली हेडिंग ग्रीष्म ऋतु डालते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु क्या है, इसके भी बारे हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो ग्रीष्म ऋतु, बहुत लोग ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु दोनों में कन्फ्यूज, ग्रीष्म मतलब गर्मी यानी गर्म स्थान, शीत मतलब ठंडी, हाँ, तो ये फिर याद रखना है, क्लियर है। तो अब ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है, समझ रहे ना।
आइए थोड़ा सा हम डायग्राम बनाते हैं। ये पृथ्वी है, क्लियर है। जैसा कि हमने बताया पृथ्वी को दो भागों में कौन सी रेखा विभाजित करती है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के जस्ट उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश पर कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश पर कौन सी रेखा है, मकर रेखा है कि नहीं। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी क्या बताया कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कहाँ चमकता है, कर्क रेखा पर चमकता है। तो बात हो रही है ग्रीष्म ऋतु की, तो सूर्य कहाँ चमकता है, कर्क रेखा पर। यह है सूर्य, हमने बना दिया है। ये क्या है दोस्तों, सूर्य तो कर्क रेखा पर चमकता है। और भारत की स्थित क्या है, यहाँ मैं बना देता हूँ। भारत की स्थित कुछ ये है, क्लियर है, ये बन गया भारत। हाँ तो भारत की 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कहाँ होता है, कर्क रेखा पे होता है। अब जब कर्क रेखा पे होगा तो इस समय कर्क रेखा पर क्या होगी, बहुत सारी गर्मी होगी। गर्मी होगी ना, क्योंकि इसी रेखा पर सूर्य है और सूर्य कर्क रेखा पे है ग्रीष्म ऋतु में, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा। इस तरीके से भारत में ग्रीष्म ऋतु में, यानी जब सूर्य कर्क रेखा पे चमकता है, तो भारत में बहुत ज़्यादा क्या होती है, गर्मी होती है। होती है नहीं, अब पॉइंट समझिएगा, पॉइंट समझिएगा, बिल्कुल भी दिमाग मत जाइएगा। इस तरफ कौन सा है सागर, अरब सागर है, और इस तरफ कौन सा है बताइए, जैसे इस तरफ है बंगाल की खाड़ी। समझ में आइए। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाते हैं, इंडिया का मैप बनाते हैं, तो उसके बाद समझ में आ जाएगा। थोड़ा बड़ा रहेगा तो आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है। तो ये हमारा प्यारा भारत है, क्लियर है, ये है। अब समझ में आया। अब देखिए इधर कौन सी, अरब सागर है, और इधर कौन सा है, बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ कौन सा है बताइए, हिंद महासागर है, है ना। अब जब सूर्य कर्क रेखा पे क्या है, चमक रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, गर्मी ज़्यादा है भारत में, तो यहाँ पर कौन सा प्रेशर जनरेट हो रहा है, जल्दी बताइएगा। भारत में गर्मी ज़्यादा है तो कौन सा प्रेशर हो रहा है, लो प्रेशर जनरेट हो रहा है। कौन सा दोस्तों, लो प्रेशर जनरेट हो गया। जब लो प्रेशर जनरेट हो गया तो हमने कॉन्सेप्ट क्या दिया था, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर में कमी होगी, जब प्रेशर में कमी होगी तो क्या हो जाएगी, हाई प्रेशर की हवाएं, क्लियर है, हाई प्रेशर की हवाएं किधर जाएंगी, लो प्रेशर की ओर बहने लगेंगी ना। अब देखिए तो यहाँ पर अरब सागर, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, सूर्य कर्क रेखा पर चमक रहा है, और यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर बढ़ गया है भारत में। जब टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रेशर में कमी आ गई, यानी कि यहाँ क्या जनरेट हो गया, यहाँ पर LP लो प्रेशर जनरेट हो गया। जब लो प्रेशर जनरेट हो गया तो यहाँ पर अरब सागर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ का पानी गर्म होगा, और हाई प्रेशर की हवाएँ जो होंगी क्या होंगी, वाष्पयुक्त हवाओं को क्या होंगी, लेके चलेंगी कहाँ पर, भारत की तरफ, यहाँ पर, क्लियर है। और इस तरीके से दोस्तों भारत में ग्रीष्म ऋतु के समय क्या होता है, मानसून बनता है, और फिर आगे चलकर जून जुलाई अगस्त सितंबर में भारी वर्षा कर देता है, क्लियर है। तो इसी तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। और भारत में प्रश्न पूछता है, जब ये हवाएं चलती हैं तो अपने साथ क्या होती हैं, जलवाष्प ही लेकर चलते हैं, क्योंकि भारत में लो प्रेशर जनरेट हो गया है, हाँ, और ये जलवाष्प भी लेकर चलती हैं, और आगे बढ़कर दोस्तों ये भारत में बारिश भी करने लगती हैं, क्लियर है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रश्न यहाँ पर पूछता है कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून से होता है, तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, जो कि ये हमने बताया है, क्लियर है।
तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून से होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। तो अरब सागर जानते ही, अरब सागर से ये वाष्प युक्त हवाएं भारत की तरफ बहती हैं और पश्चिमी घाट पर दोस्तों ये पूर्वी ढलानों पर टकरा कर यहाँ पर भारी बारिश करते हैं। लेकिन दोस्तों दक्षिण भारत का वह कौन सा राज्य है जो दक्षिण पश्चिम मानसून से वहाँ पर वर्षा नहीं होता है, यानी बरसात के दिनों में वहाँ सूखा पड़ा रहता है? तो दोस्तों वो है तमिलनाडु। कौन सा है दोस्तों? तमिलनाडु। क्यों तमिलनाडु दोस्तों यहाँ पर है? तमिलनाडु दोस्तों वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। अब वृष्टि छाया क्षेत्र क्या है दोस्तों? जैसे यहाँ पर पहाड़ी है, किले जैसे ये पहाड़ी है। अब जैसे ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं चली, अब इन पहाड़ों से टकरा जाती है और भारी बरसती है, तो मानसून इस तरफ नहीं जा पाता है क्योंकि इधर क्या है दोस्तों? तमिलनाडु है, देख रहे हैं ना, इधर तमिलनाडु है। तो इसी कारण दोस्तों ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है तमिलनाडु, जिसके कारण से तमिलनाडु में वर्षा देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? अब आपको नहीं होना चाहिए क्योंकि आप समझदार हैं, समझदारों को कभी भी दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों एक प्रश्न आपको और भी याद रखना है। प्रश्न ये है, अगर प्रश्न पूछता है कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो भारत में ही नहीं विश्व में दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा या विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है मौसिनराम होता है। कहाँ? मेघालय के मौसिनराम में दोस्तों सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलता है। अब मौसिनराम दोस्तों भारत का सबसे आर्द्र स्थान है। आर्द्र स्थान होने का रीज़न ये है कि वहाँ पर वर्षा बहुत होती है। और वर्षा क्यों होती है? क्योंकि वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं कीप की आकार की, यानी कीपाकार हैं, जिसके कारण से जो जलवाष्प युक्त हवाएं होती हैं उस कीपाकार पहाड़ियों से टकराती हैं और भारी बारिश कर देती हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए दोस्तों कि भारत में या विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है मौसिनराम में होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। हर एक पॉइंट को दोस्तों समझते रहिएगा। इस तरीके दोस्तों इस पॉइंट को याद रखिए। दोस्तों एक पॉइंट और भी प्रश्न, ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है कि तमिलनाडु वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रहता है? हमने बताया तमिलनाडु जो है वृक्ष छाया क्षेत्र में है, इसी कारण दोस्तों वहाँ पर वर्षा नहीं होता है। और तमिलनाडु में वर्षा ठंडी के दिनों में होता है। क्लियर है? तो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ पर वर्षा ठंडी के दिनों में होता है वो तमिलनाडु में। क्लियर है? तो पॉइंट समझते रहिए दोस्तों। अब वीडियो को समाप्त करते हैं, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर से। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।